गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब तो मेरा नाम जानते ही होंगे। आप सबको बहुत ही वार्म मॉर्निंग। काफ़ी ठंड का मौसम है, काफ़ी ठंड बढ़ गई है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से स्वेटर जैकेट जो भी हैं आप पहनते हैं वो अच्छे से पहनिए, ताकि आपको ठंड ना लगे और आप किसी की हेल्प चाहिए तो आराम से कर सके। आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को हेल्प चाहिए तो, अगर आप ही खराब तबीयत ख़राब हो जाएगी तो कहाँ से हेल्प करेंगे। इसीलिए वेल एंड फिट एंड फाइन रहिएगा। तो दोस्तों, मेरा जो ये वीडियो है, आज का वीडियो है मेरा ये टोमेटो प्लांट पर। और देखिए, इसमें थोड़े थोड़े वाइट वाइट आपको शायद दिख पा रहा होगा पत्तों पर, और थोड़े इसके ब्रांचेस पर वाइट वाइट कीड़े लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये दिक्कत की बात है दोस्तों, हमें इसको इस प्रॉब्लम को दूर करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो इस टोमेटो प्लांट के बारे में, इसके बाद मैं अपने अगले वीडियो जो कि इसके जो बीमारी है उसको दूर कैसे करें इस पर बात करेंगे। चलिए टोमेटो प्लांट की बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक टोमेटो फला हुआ है और देखिए बहुत सारे बर्ड्स निकल के सूख गए हैं। ये दोस्तों इसलिए हुआ क्योंकि इसके ब्रांचेस पे देखिए ये कीड़े लगने स्टार्ट हो गए हैं। जब ये कीड़े लगने स्टार्ट हो जाते हैं तो किसी को भी, आदमी को भी अगर बीमार हो जाता है तो वो कुछ काम नहीं कर पाता है, ठीक से रेस्ट ही चाहिए होता है। तो इसको भी बीमार, ये एक तरीके से बीमारी हो गया है। और इसके फ्रूट्स निकल नहीं पा रहे हैं, पहले निकले थे जब उसको दिक्कत नहीं थी, अब देखिए फ्रूट्स नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें दवाइयाँ छिड़काव करनी पड़ेगी, दवाइयों की छिड़काव करनी पड़ेगी। तो चलिए, हम अब इसको मैंने लगाया कैसे, पहले ये देख लें दोस्तों। मैंने इसको यहाँ पे सिर्फ एक दो सीड्स डाले थे दोस्तों, इसके टमाटर को, बस टमाटर को ऐसे, इस टमाटर को दो पीस के थे, उसके जो सीड्स हैं उनको सुखा लीजिए एक दिन के लिए, उसके बाद से इसको मिट्टी में गाड़ दीजिए। ये घर का टमाटर है मेरे दोस्तों, और ऐसे सीड्स खरीद कर नहीं लाए हो, ये वहाँ का है, वहाँ से आप आराम से इसको लगाएंगे तो देखिए इतना अच्छा पौधा बन चुका है। लेकिन अब इसमें बीमारियाँ लगने लगी हैं, तो इसके लिए अब हमें कुछ उपाय सोचने होंगे। तो वही मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है दोस्तों, तो वही दवाइयों का छिड़काव करना मैं बताऊँगा, कौन सी दवाइयों का छिड़काव करना। एक तो आप ये भी कर सकते हैं कि नीम के पत्ते को ले लीजिए, उसको बॉईल कर लीजिए, उसमें जब नीम का पानी जो है वो एकदम ग्रीनिश हो जाएगा, नीम के सारे प्रॉपर्टीज उस पानी में आ जाएंगे, तो उसको ठंडा कर लीजिए, उसके बाद बोतल में डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं, वो भी एक एंटीबैक्टीरियल काम करेगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा है पेस्टिसाइड्स, आप मार्केट से ख़रीद लीजिए और उसका छिड़काव कर दीजिए जहाँ जहाँ पर भी होता है। 15-20 रुपये में पेस्टिसाइड्स आते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ मैं ये सेशन रैप अप करना चाहूँगा, एंड करना चाहूँगा। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे बताइएगा, मुझे आपके कमेंट और लाइक का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।